नमस्कार, मैं आपके सामने ये बहुत ही प्राचीन और अभी बहुत ही पिछड़ा हुआ रेयर इंस्ट्रूमेंट आपके सामने पेश कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात भी करेंगे और बजाएंगे भी। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे चीनी मिट्टी के पैलिया हैं और उसमें हमने पानी भरा हुआ है। वो पानी ट्यूनिंग के लिए होता है, जितना हम पानी उसमें ज़्यादा डालेंगे उतना उसका सुर नीचा होगा। हमारे पास अगर सा का बाउल है उसमें पानी डाल के हम उसको नी कर सकते हैं, लेकिन सा का रे नहीं कर सकते, ऊपर नहीं चढ़ा सकते उसको नीचे। तो एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि ये कैसे होता है। ये मेरा बेस नोट जो है यहाँ पे सा, ये सा है, तो इस तरह से हमको जो कंपोजिशन बजाना है, जो राग बजाना है, जो कंपोजिशन, उसमें से सारे नोट्स हमें पहले ही तैयार करके रखने पड़ते हैं, फिर हम उस पे बजाते हैं। उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। थोड़ा सा पहले कुछ आपके पहचान वाली चीज़ थोड़ी बजाता हूँ। आप जिसको बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, ऐसे कुछ सॉन्ग्स मैं आपके सामने बजाना चाहूँगा। सुनाई दे रहा है सबको ठीक ठाक? हमारे बहुत ही प्राचीन ग्रंथ जो है, वहाँ से 3rd-4th century से हमें इस वाद्य का जिक्र मिलता है। संस्कृत में जलतंत्री वीणा या उदक वाद्य नाम से इसका हमें जिक्र मिलता है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में कहते थे कि 14 विद्याएं हैं और 64 आर्ट फॉर्म्स है, कलाएं हैं। तो वो जो 64 आर्ट फॉर्म्स है उसमें से वो लिस्ट में जलतरंग वादन एक कला थी, इतना ये पुराना वाद्य है। तो हम इसको ऐसे नहीं बता सकते कि किसने शुरू किया, इतना बता सकते हैं कि इसमें ये चीनी मिट्टी के पहले कब शुरू हुए। पहले ये मेटल के बोल से बजता था और फिर
दसवीं शताब्दी में ये चीनी मिट्टी के प्याले बनना शुरू हुए, तो जो बजाने वाले थे उनको ऐसे लगा कि वो मेटल वाला ज़्यादा देर नहीं सुन सकते, उससे अच्छा ये बहुत सूदिंग है, तो उन्होंने वो बजाना शुरू किया पोर्सिलिन वाले। लेकिन हर एक चीज़ को दूसरा पहलू होता है, मेटल के बोल कभी ब्रेक नहीं होते, और चीनी मिट्टी के जो है आपको पता होगा अपने घर में, सबके घर में होता है, कितने देर कितने दिन वो अपने साथ रहते हैं। लेकिन आपको सबको बहुत आश्चर्य होगा ये जानकर कि ये मेरे नाना जी का ही सेट है जिसको हम 80 साल से यूज़ कर रहे हैं अभी, इस 80 ईयर्स ओल्ड नाउ दिस पर्टिकुलर सेट। उसमें काफ़ी दो तीन जो है मैंने चेंज किए हैं। इसमें मेरे नाना जी ने कुछ बदलाव किए कि पहले जो लोग थे वो ऐसे ही उसको किसी दरी पे या किसी चीज़ पे रख के बजाते थे, उसको कुछ सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का कुछ नहीं था, तो हमने उसको ऐसा कोरोगेटेड प्लास्टिक का एक ये बनाया जिसमें उसका निचला हिस्सा जो है वो फिक्स हो जाता है, तो बजाते टाइम वो कम हिलता है, तो फिर वो बजाने का टाइम भी बढ़ गया और वो सुर का क्वालिटी भी बढ़ गई, क्योंकि जितना हिलेगा सुर हिलेगा, तो कम हिलेगा तो सुर भी नहीं हिलेगा। ऐसे कर कर के मेरे नाना जी के बाद मैंने भी उसमें काफ़ी चेंजेस किए। पहले ये जो स्टिक से मैं बजा रहा हूँ ये लकड़ी की हुआ करती थी, तो ये जो साउंड आ रहा है इसके साथ एक लकड़ी का साउंड भी आता था, तो ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये सॉलिड नायलॉन के रॉड्स है, इससे मैंने बजाना शुरू किया, और लकड़ी के काफ़ी 3-4 महीने में बदलने पड़ते थे स्टिक्स, अभी ये 10-12 साल से वही स्टिक्स है। तो बदलने के बाद उसका सब जजमेंट बदल जाता था, उसका हेवीनेस, उसका लेंथ सब, तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी एकदम रिसेंटली मैंने एक और स्टिक बनाया, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, टेफ्लॉन का। इससे जलतरंग का साउंड पहले कभी जैसे नहीं हुआ वैसे ये स्टिक से हुआ, वो कैसे देखिए। तो ये एक काफ़ी माइलस्टोन साबित हुआ है जलतरंग में, क्योंकि इसके पहले कंटिन्यू साउंड जलतरंग में नहीं था, किसी से भी नहीं। तो इस तरह चलते चलते अभी ये इस स्टेज पे आ गया है कि कोई भी एटमॉस्फेयर पे, कोई भी स्टेज पे, किसी भी टाइप के जगह पे ये जलतरंग का प्रोग्राम हो सकता है। और फिर एक दो धुन मैं आपको सुनाता हूँ। जलतरंग में हमारे मन में अंदर तक उसकी साउंड एकदम से पहुंच जाती है। मैं आपको गाने के बोल नहीं बताऊंगा, लेकिन जब मैं शुरू करूंगा तो आपके दिमाग में वो बोल अपने आप शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला इसका कारण है कि हमारे पूरे शरीर में जैसे 72% पानी है, उसी तरह ये इंस्ट्रूमेंट में भी पानी है, इसलिए इसका म्यूज़िक थेरेपी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैं खुद करता हूँ। एक गाना आपको सुनाता हूँ।
इतने में एक एक साल हुआ है, एक टाइटन वॉचेस की एक एड चल रही है अभी टीवी पर, तो आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, लेकिन उसमें मेरा सिर्फ जल तरंग दिखता है और हाथ दिखते हैं, मैं नहीं दिखता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं एक दो मिनट वो बजाता हूँ, टाइटन सिरेमिक, टाइटन एज नाम है उस वॉच का। अभी जो चीज़ के लिए मैं घूमता रहता हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक का प्रोग्राम होता है, तो मैं थोड़ी देर आपके सामने एक राग बजाऊंगा, राग हंस ध्वनि, उसमें दो बंदिश बजाऊंगा। तो एक दो मिनट के लिए मैं ये अभी जो स्केल है ये पूरा सारे गम पद ध्वनि सा, इसका मैं राग हंस ध्वनि कर लेता हूँ दो मिनट में।
हेलो राग हंस ध्वनि हम लोगों ने सभी ने सुना है, लेकिन उसमें एक बहुत पॉपुलर गाना था जा तो से नहीं बोलू कन्हैया, लता जी ने गाया हुआ, तो वो ही वो एक्चुअली क्लासिकल की बंदिश ही है, उसी को मैं बजाऊंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा हम जो बिना तबले के बजाते हैं आलाप जोड़ और झाला एक 5-7 मिनट के लिए, फिर वो बंदिश और फिर हमारे थोड़े सवाल जवाब भी होंगे, क्वेश्चन आंसर्स जलतरंग और तबले से। तो राग हंस ध्वनि, मैं टाइम्स लिट फेस्ट का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे उन्होंने ये मेरा जो वाद्य है उसका प्रस्तुति करने का मौका दिया, और सुनिए राग हंस ध्वनि। Thank you.
हेलो जातों से नहीं बोलो कन्हैया राह चलत पकड़ी मुरे भैया राह चलत पकड़ी मुरे भैया जातों से नहीं बोलो कन्हैया जातों से Thank you.